हाय गाइस, मैं हूं प्रोफिशिएंट निक्स और मैं इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप व्हाट्सएप में कोई भी इमेज आप किसी के पास भेजते हैं तो उसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं भेज के, ये मैंने एक और वीडियो और इमेज सेलेक्ट की और इसको कहीं पर भी सेंड कर दिया। ये सेंड करने पर इसकी एक डबल कॉपी हो जाती है और जो हमारी स्टोरेज ले लेती है, बहुत सारी स्टोरेज। अगर आप एक एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र हैं तो आपका स्टोरेज इससे बहुत ज़्यादा भर चुका होगा। मैं आपको स्टोरेज दिखा रहा हूँ मेरे फ़ोन पे, इतना अभी कितना स्टोरेज खाली है। देखिए स्टोरेज डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन 2.3 GB मेरा भी अवेलेबल है स्पेस। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सेंड डिलीट करके, जितनी भी इमेजेस मैंने सेंड की है उसको मैं डिलीट करके दिखाऊंगा कितना मेरा स्पेस खाली हो जा रहा है। इसके लिए आपको ऐप लेना होगा, ES फाइल एक्सप्लोरर। आप यही ऐप यूज़ कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको। इसको ऑन कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप पे जाइए मीडिया में, उसके बाद व्हाट्सएप वीडियो पे जाइए, उसके बाद सेंड पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए इसे, ओके कर दीजिए। आपको मूव टू रिसाइकल बिन पे टिक नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने दें, उसके बाद ओके कर दें। ओके कर दें, आपका रिसाइकल बिन में वो चला गया है। उसके बाद फिर से इमेजेस पे जाएं, उसको सेंड पे उसको डिलीट करें, सेंड को डिलीट कर दें। रिसाइकल बिन आपका ऑन होना चाहिए हर बार। और उसके बाद फिर से जाएं कट करके और अपना व्हाट्सएप चेक करें। मैं जा रहा हूँ फिर से कट करके व्हाट्सएप अपने चेक करने। देख रहे हैं आप, मेरा ये जो ऊपर का फ़ोटो है वो डिलीट हो चुका है, तो वो ब्लर करके दिखा रहा है। हालांकि जो चीज़ हम भेज देते हैं उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो हमारे गैलरी में ऑलरेडी रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा। ये बस अलग फोल्डर से डिलीट हो जाता है जो आपको नहीं दिखता है। फिर से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं टोटली स्पेस खाली करने के लिए, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए, रिसाइकल बिन्स में जाके और इसे डिलीट कर दीजिए। और इसको आप फिर से लाना चाहते हैं तो रिस्टोर कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन से ये डिलीट हो जाएगा, आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब मैं स्टोरेज अपना चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा 2 GB खाली हो चुका है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इससे